सबसे एल्युमिनियम का देख सकते हो इसकी क्वालिटी, पूरा एल्युमिनियम का है ये। और इसको ऊपर से ले जाओ यहाँ से पीछे से, सिंपल, इसमें कोई भी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता है इसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम उत्कर्ष है और आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ एक आइस्टैंड कंपनी का मोबाइल होल्डर विद चार्जर, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खासकर इसे जो बाइक राइड करते हैं उनके लिए तो भाई बहुत यूज़फुल है ये। ये आइस्टैंड कंपनी का है मेरे पास, ये मैंने करोल बाग की मार्केट से लिया था। और एक कोई भी बाइक में लग जाता है, और आप इसे, मैं अपनी इसे बाइक पे लगा के दिखाऊंगा कि कैसे लगता है। और इसका अब मैं इसे ओपन करता हूं और देखता हूं इसमें क्या क्या है। बॉक्स के ऊपर देखे जाए तो आइस्टैंड कंपनी का ये ऑल एल्युमिनियम लिखा है, रोटेबल है, फर्म क्लेम है, वाइड यूज़ है, और कुछ तो दे रखा। अब मैं इसे ओपन करता हूं। और हाँ, ओपन करने से पहले एक चीज़ और बताता हूं, जो ने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए मेरी वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा सबसे एल्युमिनियम का देख सकते हो इसकी क्वालिटी, पूरा एल्युमिनियम का है ये। एल्युमिनियम का है तो भाई बहुत अच्छी बात है, इसमें बारिश में जंग नहीं लगेगा और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इसका। मतलब एल्युमिनियम का है तो टूटेगा भी नहीं हो सबसे पहले तो। और उसके साथ हमें मिलता है ये चार्जर, ये मैंने एक बार ओपन करा था देखने के लिए क्या क्या है, तो वही है ये चार्जर मिल रहा है हमें, 5 वोल्ट का USB चार्जर। ये इसकी वायर देख सकते कितनी लंबी वायर है इसकी, वायरिंग इसकी अगर मान लो हम इसे यहाँ पे लगाएं तो ऑटो वायरिंग ठीक है, देख सकते हो इतनी बड़ी वायर है, पूरी बाइक कवर कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो आ ही जाएगी बैटरी तक। और अगर आपको इनिशियल तक लगाने हैं, जैसे डायरेक्ट वन लगाने हैं कि आप जब आप ऑन करें बाइक तो जब ही इसके चार्जिंग स्टार्ट होए, तो वो भी कर सकते हो। और इसमें देख सकते हो आप ऑन ऑफ का बटन भी है, ये भी क्वालिटी ठीक है। और हमें इसके साथ 3-4 चीज़ और मिलती है, ये चार्जिंग का, ये इसमें ऐसे लग जाएगा, और आइस्टैंड कंपनी का लोगो इसके पीछे, और इसके साथ हमें मिलते हैं कुछ 2 एलन की, कुछ स्क्रू, ये 3-4 इसमें स्क्रू हैं। और ये तो इसे डायरेक्ट फिट, मैं इसे अपनी बाइक में फिट करके दिखाता हूँ आपको। मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी बाइक पे यहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसे लगा दूंगा तो ये ऑन ऑफ में मुझे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसे साइड में लगा देता हूँ। अब ये के लिए ये हमारे पास 2-3 चीज़ होनी चाहिए। एक तो ये देखो, ये इसमें ऐसे दे रखा, देखो इसकी क्वालिटी देखो, प्योर एल्युमिनियम है ये, जल्दी से टूटेगा भी नहीं और ना जंग खाएगा, जंग तो कभी खाएगा ही नहीं। तो हम इसके जैसे बीच में लगाएंगे, जैसे मैंने लगा दिया है, उसके बाद एक इसका एक स्क्रू आता है इतना बड़ा, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये स्क्रू डल गया, अब क्या करना है, बिल्कुल इजी है। अब ये इसको ऐसे लगा देना है और ये आपका मोबाइल होल्डर लग गया। फाइनली दोस्तों, ये लग चुका है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है, कैसे लगा ये। और ये देख सकते हो, ये देख लो, ये लग गया है। और आप इसे ऑटो रोटेबल है, ये कैसे भी मोड़ सकते हो, अपने जहाँ कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लग जाएगा। और मैंने इसमें चार्जिंग नहीं लगाया, मैं चार्जिंग किसी दूसरी बाइक में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, मुझे अभी नीड है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों, देखो ये इसमें चार्जिंग लगा हुआ है पहले से, जो मैं आपको बता रहा था, ये इसका चार्जर देखो, ऐसे इसमें ऐसे लग जाएगा ये चार्जिंग इसने नीचे लगा रखा है ताकि बारिश से भी बच जाए, तो बहुत बढ़िया बात है। और ये ऐसे पीछे इसका नट आएगा और ये वायर जा रही है, ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, सिंपल।
और ये है इसका ऑन ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो ऑन ऑफ बटन है, ये इसकी कैप है, कैप से हमें आगे बंद कर दो, सिंपल। अब देखो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये वायर ले आनी है आपको, या ऊपर से कैसे भी आप वायर लाओ, यहाँ से ऐसे ले आओ। और ये देखो दो वायर है इसमें, रेड वाली रेड में जाएगी, ब्लैक वाली ब्लैक में जाएगी, और आपकी चार्जिंग हो जाएगी ऑन ऐसे। ये खोलना है यहाँ से और इसमें ऐसे लगा देना है, इसके अंदर ऊपर लगा दो, अंदर लगा दो, और इसको बंद कर दो ऐसे। और एक एक यहाँ से, और इसको ऊपर से ले जाओ यहाँ से पीछे से, सिंपल। इसमें कोई भी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता है इसे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को।